दोस्तों मुंबई टेस्ट में न्यूजीलैंड को मात देकर टीम इंडिया ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। इसी के साथ टीम इंडिया दुनिया की नंबर वन टीम बन गई है। दरअसल भारत न्यूजीलैंड की टेस्ट सीरीज खत्म होने के बाद आईसीसी ने टेस्ट क्रिकेट की नई रैंकिंग जारी की है, जिसमें भारतीय टीम को काफी फायदा हुआ है। बता दें, इस नई रैंकिंग में टीम इंडिया नंबर वन पर आ गई है, जबकि न्यूजीलैंड की टीम इस रैंकिंग में दूसरे नंबर पर है। खास बात यह है कि टीम इंडिया ने यह उपलब्धि मौजूदा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप विनर न्यूजीलैंड की टीम को हराकर हासिल की है। हालांकि आईसीसी की रैंकिंग में टीम इंडिया के कुल 124 पॉइंट्स हो गए हैं, जबकि न्यूजीलैंड के भी 121 पॉइंट्स हैं। इसके अलावा भारतीय टीम ने करीब 6 महीने बाद टेस्ट रैंकिंग में नंबर वन की पोजीशन पर वापसी की है। हालांकि जून में टीम इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में न्यूजीलैंड से हार गई थी। इसके बाद टेस्ट रैंकिंग में नंबर वन की कुर्सी न्यूजीलैंड के पास चली गई थी और अब एक बार फिर टीम इंडिया टेस्ट की नंबर वन टीम बन गई है। वैसे दोस्तों, कप्तान विराट कोहली की अगुवाई में भारत की टेस्ट टीम काफी मजबूत हुई है। टीम इंडिया वर्ष 2016 से 2020 तक लगातार नंबर एक की पोजीशन पर रह चुकी है। वहीं वर्ष 2020 के बाद ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड कुछ वक्त के लिए नंबर वन की कुर्सी पर काबिज रहे। हालांकि अब जब टीम इंडिया टेस्ट रैंकिंग में नंबर वन पर पहुंच गई है, तो विराट कोहली और राहुल द्रविड़ के सामने नंबर वन की पोजीशन को बरकरार रखने की चुनौती होगी। बहरहाल इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।